नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही ब्लैकमेलिंग की, जिसमें फंसने के बाद जो कॉमनली सवाल पूछा जाता है वो ये है कि सर, ये जो ब्लैकमेलर हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को, इस तरह की वीडियो बनाकर फंसा लेते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? और गिरफ्तारी हो रही है तो कितना समय लगेगा अगर गिरफ्तारी होगी इनकी? तो ये मोस्ट कॉमनली जो सवाल है वो आप सबका होता है और मुझसे ही पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ प्रॉपर तरीके से, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए, मतलब मिलने के लिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बीच में स्किप कर देते हैं और फिर बाद में मुझसे जब फ़ोन करते हैं या सवाल पूछते हैं तो ये पूछते हैं ये आपने नहीं बताया था, जो कि मैं पहले से ही उस वीडियो में बता चुका होता हूं। तो अब ये बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलर हैं, यानी कि आपके साथ में कोई घटना होती है, कोई घटना घटित होती है, कोई भी जो लड़की है आपको, वो आपको वीडियो बनाने के झांसे में आपको फंस लेती है, और उसके बाद जो है वो आप उसमें फंसने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय पर जो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से YouTube पर सर्च कर लेते हैं या फिर कहीं पर उनको कोई वीडियो वगैरह कुछ हेल्प मिल जाती है, तो वो तो इस चीज़ से प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। लेकिन जो जिनको इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि YouTube पर भी कोई ऐसी चीज़ें जैसी जो जानकारी मिल सकती है, तब वो व्यक्ति जो है वो फंसने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए इस समय पर। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसे समय पर अगर आपको कोई भी जो ब्लैकमेलर फंसा लेता है, आपको आपका वीडियो बना लेता है, तो फिर उसका निकलने का एक आसान तरीका क्या है और इस तरीके के माध्यम से आप क्या ब्लैकमेलर की अरेस्टिंग या गिरफ्तारी करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर भी हो सकें। तो ऐसे समय पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे किसी कोई व्यक्ति है जो कि फेसबुक चला रहा है अपने, मतलब फ़ोन में फेसबुक ऑपरेट कर रहा है, या फिर वो व्हाट्सएप पर है, या फिर किसी डेटिंग ऐप्स पर है, वहाँ से ये जो ब्लैकमेलर हैं वो सब जगह फैले हुए हैं आपके, आपको ये फेसबुक पर मिल जाएंगे, आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे और किसी डेटिंग ऐप पर भी मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो वहाँ पर भी मिल जाते हैं। चाहे वो कोई भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट आप उठा लीजिए जहाँ पर लड़के या लड़कियाँ अपनी मतलब शादी के लिए प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ से भी आपको ये लोग मिल सकते हैं और वहाँ से भी आपके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग हो सकती है। इस वाक्य पर जो कि मैट्रिमोनियल के द्वारा लोगों के साथ में मतलब फ्रॉड हुआ है या फिर उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, तो ऐसे मैंने आपको वीडियो बनाई है और मेरी वीडियोज आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने इसी सिलसिले में इस की यहाँ से कहीं से भी मतलब ये ब्लैकमेलर्स आपके पास आ सकते हैं, बहुत आपको सतर्कता रखनी है। आज के टाइम में जो हम सोशल वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम जानकारी हम जहाँ से लेते हैं, वो आज के टाइम में चलाना बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुश्किल के साथ साथ में ये है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको कोई भी अननोन फ्रेंड, अननोन व्यक्ति आपके पास में किसी प्रकार की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या किसी प्रकार से आपसे वो बात करना चाहता है, तो आप बहुत सतर्क हो जाएं। वरना अगर आपने सतर्कता नहीं निभाई और वो व्यक्ति वो साथ डायरेक्ट आपसे वीडियो कॉल करने के लिए कह रहा है और आपने उस वीडियो को रिसीव कर लिया और आपने या सीन कर लिया उसको, या उसमें जो वो कह रहा है वो एक्टिविटी आपने करते गए, तो डेफिनेटली आप एक समय पर ऐसा हो जाएगा कि आप उस ब्लैकमेलर का आप शिकार बन जाएंगे और फिर आपको वो किसी प्रकार से आपको धमका सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपकी वीडियो को भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि सावधानी बरतनी है, और ऐसे अनजान व्यक्ति से, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, आप लड़की को हल्के में ले लेते हैं, आप ही सोचते हैं कि लड़की है ये, इससे तो हम बात कर लेंगे, हमारा जो मतलब टाइम है वो अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। नहीं, आप गलत सोचते हैं, आपका वो टाइम स्पेंड करने नहीं आई है, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से इसमें फंसाने आई है और वो पहले से प्री प्लान्ड है। उन्होंने माइंड से पहले सोच रखा है कि सामने वाले व्यक्ति को हमको फंसाना है, उससे पैसा ऐंठना है। तो ऐसे समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देख लेते हैं, देखने के बाद वो इस चीज़ से बच जाते हैं, लेकिन अगर नहीं देख पाते हैं और उनके साथ घटना हो जाती है उसके बाद वो देखते हैं, तो फिर देखने का कोई फायदा नहीं है। पर ये रहता है कि हाँ, आपने जो घटना बताई वो तो है तो सर मेरी ही बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन मैं अगर इससे पहले देख लेता तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ से बच जाता। तो
ये अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि जैसे मैंने आपको जानकारी दी तो आप भी दूसरे लोगों को जानकारी दें। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई आपके ग्रुप वगैरह हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं आप, वहाँ पर शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ से इसको देख सकें और इस चीज़ से बच सकें। तो ये जो चीज़ें हैं, अब बात आती है जो मेन पॉइंट की है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो कि जो ब्लैकमेलर हैं आपके साथ ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं, आपको किसी प्रकार से उस ब्लैकमेल फंसा लेते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब अरेस्टिंग होगी उनकी। अब मैं आपको एक बेसिक एजेंडा बता देता हूँ कि मोस्टली बहुत सारे लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मैंने कई गिरफ्तारियों पर वीडियो बनाया है, दिल्ली में हो चुकी है, राजस्थान में हो सकती है, हो चुकी है, बिहार में हो चुकी है, झारखंड में हो चुकी है, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ये ब्लैकमेलिंग में जो ब्लैकमेलर्स हैं उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। और इन्होंने ऐसा नहीं है कोई आप कोई साधारण व्यक्ति को फंसाया, बहुत बहुत बड़े लोग जो कि एक विधायक हैं, MP MLA हैं, उन तक लोगों को इनको इन्होंने फंसाया है। और लड़की की बातों में आगे कोई भी देखिए फंस जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को गिल्टी महसूस करें या अपने आप को दोषी ठहराएं वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें आके लोग फंस जाते हैं। बस यहाँ जरूरी है तो एक सतर्कता की जो कि आपको उस ब्लैकमेलिंग में फंसने से बचा सकती है। अब यहाँ पर गिरफ्तारी के कारण क्या है, किस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हो सकती है। देखिए, सबसे पहले बेहतर है, जरूरी है कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है, ऐसी ब्लैकमेलिंग या फ्रॉड, ठगी, ऐसी कोई भी चीज़ें आपके सामने आपके साथ हुई हैं, और अगर आप चुपचाप बैठ गए, आपने नहीं नहीं सोचा कि मेरे साथ में ये गलत हुआ है, मेरे साथ में ये मुझे मतलब फंसाया गया, उसके बाद मुझे टॉर्चर किया गया, मुझसे पैसा लिया गया, या फिर किसी प्रकार से आपको कोई गलत चीज़ आपके साथ में हुई है, और आप बैठ गए चुपचाप कि सर चलो छोड़ो कुछ नहीं होता, तो देखिए आपने खुद उन लोगों को बढ़ावा दिया जो लोग इस तरीके की घटनाएं घटित कर रहे हैं। अगर आपके साथ में कोई अपराध हुआ और आपने उसकी सूचना गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अगर आपने नहीं पहुंचाया, तो दैट मीन्स कि आपके साथ कोई भी घटना ऐसे घटित नहीं हुई है। और जब घटना घटित नहीं हुई है तो सरकार कैसे उस पर एक्शन लेगी, कैसे उन ब्लैकमेलर्स के लिए पकड़ पाएगी। तो बेहतर है कि आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो तो आप ज़रूर अपनी जो सूचना है, अपनी जो जानकारी है, जो आपके साथ घटना घटी है, उसकी जानकारी आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल है वहाँ पर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से अगर आप पहुँचाना चाहते हैं तो आप पहुँचाएं उसको, ताकि गवर्नमेंट को भी ये पता लगे कि ऐसी ऐसे तत्व हमारे समाज में हैं जीवित, इनको गिरफ्तार करना, इनकी अरेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ये लोग, एक जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैंने जो देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा इश्यू था, अब धीरे 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 इसलिए कम हो रहा है, क्योंकि मुझे जब कंप्लेंट आती है तो मैं भी कंप्लेंट लोगों की करता हूँ, लेकिन जिस समय पर ये चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर मेरा चीज़ें जो है वो कहीं वायरल तो नहीं हो, कहीं पे किसी प्रकार से घर तक तो बात नहीं पहुँचे, तो वहाँ पर आपके डरने की चीज़ें आती हैं, जो कि आपको डरना नहीं चाहिए, आपको उसके खिलाफ जाना चाहिए, ताकि आप ऐसे समय पर उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में वो करने वाला है, उनको आप बचा रहे हैं। तो आपके साथ में ऐसी अगर चीज़ें होती हैं तो मैंने आपसे यही कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप तुरंत एक्शन करवाएं। साथ ही साथ में कि जो ये सोचते हैं सर इनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से, अरेस्टिंग लगातार हो रही है, गिरफ्तारी लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं ये पकड़े जाते हैं, और आज ना तो कल इन सभी लोगों को सफाया होगा। और ऐसे समय पर जहाँ पर समाज में ऐसी कोई चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर वो सहयोग और योगदान आप ही का रहेगा, क्योंकि आप ही उसको, उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आप ये जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि कोई घटना आपके साथ में हुई है, जब तक वो घटना घटना नहीं मानी जाती तब तक वो दर्ज ना हो। अगर वो घटना दर्ज हो जाती है कि हाँ मेरे साथ में ये घटना हुई है, मुझे ये इस तरीके का किया गया, तभी वो घटना कहलाती है, वरना वो फिर घटना नहीं कहलाती है। आपकी बात आप तक ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसको रजिस्टर्ड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर साइबर क्राइम को, आप साइबर सेल को नहीं बताते हैं। तो बेहतर है कि आप एक गलत रास्ते पर जो हैं, जो लोग जिनके साथ गलत हुआ है, उन वो लोग सभी मिलकर इस चीज़ के खिलाफ जाएं, और सभी लोग जो है अपनी सूचना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक जरूर पहुंचाएं। अगर पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे समय पर कोई भी ना कोई व्यक्ति आपको जरूर सलाह देगा, समझाएगा आपको, और आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आप निश्चिंत होकर, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और बस मैं इतने कहना चाहूँगा, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं, आपके फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, वहाँ पर आप अपनी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।